वाल्टर वो नाम है जो अपने नाम और शक्ल से तो अंग्रेज थे लेकिन अपने दिल से पूरे हिंदुस्तानी। भले ही टॉम वाल्टर हमारे बीच ना रहे हो लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वो भारतीय सिने जगत में ऑफ बीट करेक्टर्स के मेन स्ट्रीम एक्टर थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टॉम वाल्टर की फिल्मों में आने का चस्का किस एक्टर को देख के चढ़ा? नहीं ना, तो चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि भारत में ही जन्मे और भारत की मिट्टी में पले टॉम वाल्टर के फिल्मों में आने के बारे में। बात तब की है जब टॉम 18 साल की उम्र में अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी गए पढ़ने, लेकिन मन नहीं लगा, बीच में छोड़कर वापस चले आए। अगले कुछ साल उनके भटकने के साल रहे, कई नौकरियां की, कई शहरों में भटके। इसी दौरान हरियाणा के जगतधरी में वो करीब 6 महीने रहे, जहां वो सेंट थॉमस स्कूल में शिक्षक थे। इस दौरान उन्होंने जगतधरी में हिंदी फिल्में देखना शुरू किया, लेकिन बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म आराधना ने 19 वर्ष के टॉम वाल्टर को इतना प्रभावित किया कि उसी सप्ताह उन्होंने इस फिल्म को 3 बार देख डाला। बताया जाता है कि अगले 2 साल तक उनके जहन में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर चलती रही। आलम ये हुआ कि उन्होंने फिर बस राजेश खन्ना बनने की ठान ली थी। जहां राजेश खन्ना बनने की बात है तो टॉम वाल्टर ने चमेली मैम साहब में निभाए गए एक अंग्रेज के किरदार को अपने अंदाज में राजेश खन्ना बनकर निभाया था। उत्तराखंड के मसूरी में जन्मे टॉम के नाम 300 से अधिक फिल्में हैं। उन्होंने सत्यजीत रे से लेकर श्याम बनेगल तक भारतीय फिल्म जगत के लगभग सभी चोटी के डायरेक्टर के साथ काम किया। अंग्रेज एक्टर के रोल में लोकप्रिय टॉम ने विविधता से भरे किरदारों को निभाया। भले ही टॉम वाल्टर हमें अलविदा कहकर चले गए हों, लेकिन उनके बॉलीवुड को दिए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।